हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि जैसे जब भी रिपेयर वाले स्टूडेंट मुझसे कुछ पूछते तो मैं आप सबको यही कहती थी कि अभी आपका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है या आपके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि आपको प्रमोट किया जाएगा, क्या किया जाएगा और जो है कि आपको किस बेस पर प्रमोट किया जाएगा, इस चीज़ का अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। सो आज जो है मीटिंग रखी गई थी इस चीज़ के रिगार्डिंग कि जो रिपेयर वाले स्टूडेंट हैं उनका क्या किया जाए। जो आज मीटिंग थी उसमें क्या डिस्कशन हुई और उसके क्या आउटपुट निकल के आई वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो आप, ये जो है इस पे साइन भी हो रखे हैं, ये रियल लेटर है और सब्जेक्ट यही था रिगार्डिंग एग्जामिनेशन रिपेयर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। सो इससे ये निकल के आया है, इन्होंने जो है अब एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी के जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे ये देख सकते हो आप। यहाँ पे पांच जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, मूर्थल, रोहतक, के, ठीक है, JGU, हिसार है, IGU है, तो ये जो है पांच, इनकी एक कमेटी बना दी है और जो ये अब डिसाइड करेंगे कि जो रिपेयर वाले स्टूडेंट हैं उनको किस बेस पर प्रमोट करना है, क्या करना है। ये कमेटी क्या करेगी, कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और जो उस रिपोर्ट में लिखा होगा कि रिपेयर वाले स्टूडेंट के साथ क्या करना है, किस बेस पे उनको प्रमोट करना है कि नहीं करना है एंड जो भी मतलब रिपेयर वाले स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ये जो है एक रिपोर्ट में लिखेगी एंड वो रिपोर्ट है जो वो ये कमेटी किसको देगी, गवर्नमेंट को देगी और कब देगी। यहाँ पर डेट लिखी हुई है 1/7/2020 यानी 1 जुलाई 2020 को जो है ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे एंड उसके बाद जो आपका कोई भी डिसीजन आएगा। सो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, देखो कमेटी बनाई है और जब ये डिसाइड करेंगे तभी जो आपका कोई डिसीजन आएगा। तो बार बार ये मत डेली मतलब ये मत देखना कि भाई आज हमारी कोई न्यूज आएगी, आज कोई आएगी, तो अभी तो जो इस रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि आपके साथ क्या किया जाएगा, राइट। अभी तो यही इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे।